नमस्कार बच्चों गुड मॉर्निंग आज तीन मई है और तीन मई की सुबह सुबह ये वीडियो बन रही है आठ बज के उन्नीस मिनट हो रहे हैं तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आज काफ़ी ज़्यादा ये बात फैल रही है कि आज रिज़ल्ट आएगा रात में लाइव भी आया था चक्कर में और मैंने बताया था कि आज रिज़ल्ट आने के चांस बहुत कम हैं जो ऑफिशियल सोर्स हैं उनसे पता चल रहा है कि रिज़ल्ट जो है आपका बारह तारीख को या तेरह तारीख को आ सकता है कुछ मीडिया के जो पोर्टल होते हैं जैसे शिक्षा डॉट कॉम एक पोर्टल है उसने एक न्यूज़ छाप दिया और एक ट्विटर पर पोस्ट हो रही कि भोपाल के एक सी बी एस ई के ऑफिशियल ने कहा है कि रिजल्ट आ जाएगा तो जब मैंने इसको इंक्वायरी करने की कोशिश करी तो ये पता चला कि ऐसी कोई खबर नहीं है मैं इसमें सी बी एस ई का भी मानता हूँ सी बी एस ई ने फालतू में एक आ, मतलब एक तरह का वो क्रिएट कर रखा है कि यार क्या हो रहा है भाई पूरे देश में मतलब बच्चे इतने परेशान इस टाइम आप सोच नहीं सकते हो तो अगर सी बी एस ई एक ट्वीट कर देती एक नोटिस जारी कर देती कि हम इस तारीख़ को रिज़ल्ट देंगे और इस तारीख को हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा दसवीं का इस तारीख को बारहवीं का आ जाएगा और सी बी एस ई अपने ग्रेस देने के सिस्टम को थोड़ा पब्लिश कर दे कि हम इतना हेल्प करते हैं बच्चों की या सी बी एस ई बता दें कि कापी चेकिंग किस तरह की हो रही है हालाँकि सी बी एस ई अपनी रूल्स के हिसाब से कॉपी चेक करती है तो इतना सारा जो सिस्टम है जो इतनी सारी चीज़ें फैली पड़ी हैं बच्चों के मन में वो दूसरी बात मैं कहूँगा कि जैसे बच्चे मैसेज कर रहे हैं मैं सर हमें डर लग रहा है हमें डर लग रहा है तो देखो भाई पेपर तुमने दिए हैं आपने जो पेपर दिए हैं उसके हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे सी किसी को जान पूछ के फेल नहीं करती है टीचरों को इंस्ट्रक्शन होती है कि पूरी कोशिश करी जाए बच्चों को पास करने की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ टीचर भी ये नहीं चाहते कि बच्चा फेल हो हमेशा बच्चों को पास करने की कोशिश करी जाती है चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी सिनेरियो में बच्चों को पास करने की कोशिश की जाती है लेकिन अगर कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है पूरे साल से पूरा साल उसने बर्बाद कर दिया अपना या कोई वजह से वो नहीं पढ़ पाया कोई मेडिकल प्रॉब्लम है घर की कोई प्रॉब्लम है कुछ भी कह लो आप वो जान पूछ के नहीं पढ़ा आवारा गर्दी करी या घर की प्रॉब्लम है या उसको समझ में नहीं आया या स्कूल की प्रॉब्लम है कुछ भी है तो फिर रिजल्ट जो भी है उसके लिए आपको सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए कमजोरी दिखाने से मतलब आप ये तो कह सकते हो कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा लेकिन आप पढ़े नहीं उस टाइम जब आपको पढ़ना था मेरी बात कड़वी लगेगी बट सच्ची है कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर आपकी बात कहने की हिम्मत शायद ना करे क्योंकि सबको डर लगता है कि आप उनका चैनल अनसब्सक्राइब कर दोगे या वीडियो को डिसलाइक कर दो कर दो कोई बात नहीं सच सच होता है रिज़ल्ट आने से पहले हिम्मत दिखाइए जब आप पूरे साल दो साल तक नहीं पढ़े या आपने पूरे दो साल मस्ती करी तो आज ये भी हिम्मत दिखाइए कि एक्सेप्ट करिए कि रिजल्ट जो भी आएगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा और आगे बढ़ूँगा गलत कदम नहीं उठाऊँगा कोई भी पॉजिटिव रहूँगा और अगर मैं किसी एक सब्जेक्ट में मान लो नंबर कम आते हैं फ़ेल हो जाता हूँ तो कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट के थ्रू उसको पास करने की कोशिश करूँगा अगर आप ये सब कर सकते हो तो इतनी हिम्मत रखिए अपने अंदर और वैसे तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो आप सोचते हो उससे ज़्यादा नंबर आते हैं हमेशा उससे ज़्यादा आपके मार्क्स आते हैं उससे ज़्यादा आप अच्छा काम कर सकते हो ये कभी नहीं होता कि जो आप सोचते हो वो तो नंबर आते हैं नंबर उससे ज़्यादा आते हैं हमेशा ठीक है तो अगर आप रिजल्ट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म दूंगा अभी तक तो कोई सूचना इस तरह की नहीं है आगे आने वाले टाइम पे जो भी होगा आपको मैं अपडेट करता रहूँगा बस मैं कहूँगा हिम्मत रखिए गलत मत सोचिए निगेटिव मत सोचिए जो आपने किए आपको पता है मेरी मम्मी एक बात कहती है मुझे हमेशा कि हमारे साथ जो भी होता है उसके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं और हमें पता होता है कि हमने क्या किया है तो बहादुर बनिए अपने पेरेंट्स से बात करिए कि मेरा पेपर मतलब अभी मत करिए रिजल्ट आने दीजिए पहले रिजल्ट का वेट करिए अगर कुछ में निगेटिव होता है तो बताइए कि हाँ मेरे पेपर अच्छे नहीं हुए थे बट नाउ आई विल इंप्रूव और मैं एक साल के अंदर आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखा दूँ ठीक है दोस्तों सच बोलने से ही काम चलेगा और अगर आप सी बी एस ई में नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप एन आई ओ एस बोर्ड भी में भी एडमिशन ले सकते हो सरकारी बोर्ड है पूरा वैलिड बोर्ड है जरूरी नहीं कि हर कोई सी बी एस ई से ही पढ़ेगा ठीक है चलो ऑल द बेस्ट